निकालना आहिस्ता 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 नुबड़े आहिस्ता निकाल तेरी ऐसी की तैसी रुक के दिखाता हूँ आपको। है ये देखो हाय हाय खानी है ए, तेरी है ताई की अख आहिस्ता 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 पानी गिरा दे ऊपर यार। तो फ्रेंड्स 15 मिनट वेट करने के बाद एक मैगी मिली है, लेकिन यहाँ पे ये मैगी होगी ना बड़ी ज्यादा टेस्ट होगी क्योंकि तो फ्रेंड्स अभी निकलते हैं खारदुंगला से, खारदुंगला को करते हैं बाय बाय। और रोड देखो यार पीछे भागे खड्डे में गिरी, पूरा पानी ऊपर आके गिरा साला। ये साइड देखो पूरी बर्फ है, ये देखो अभी मैं जा रहा हूँ नूबरा वैली। नूबरा वैली यहाँ से पता नहीं कितनी है, नेट तो चल नहीं रहा है और पता कुछ चल नहीं रहा है कितना किलोमीटर है यहाँ से कितना नहीं। और ये ख़राब रोड पता नहीं कहाँ तक है, ख़राब इसको ऑफ रोड बोलेंगे, एडवेंचर इसका मज़ा लेंगे, एंजॉय करेंगे ख़राब रोड को भी, लेकिन मैं एंजॉय नहीं कर सकता क्योंकि मेरा पिछले वाला टायर जो है ना पीछे वाला वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक होता है सिर्फ ख़राब नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि एक मेरा टायर जो 15,000 चल चुका है तो इतना चलता नहीं है, ये अभी भी चल रहा है और डर है कहीं पे पंचर ना हो जाए, अगर पंचर हो गया तो फिर सीन है। तो एक मेन प्रॉब्लम जो भी फेस करने को मिल रही है टायर की। बाकी बर्फ़ चेक करो कितनी ज़्यादा बर्फ है, जे यहाँ पे कभी पिघलती नहीं है बर्फ़ शायद। बारह मंथ बर्फ़ रहती होगी इधर आए है। पीछे एक थार वाला मैं इसको पास दे देता हूँ, ये पानी गिराएगा ऊपर। भैया आस्ता निकालना आस्ता 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 नुबड़े आस्ता निकाल तेरी ऐसी की तैसी आए है। मैं बर्फ़ के पास से निकालता हूँ, ये देखो बर्फ अब करीब से देखने को मिली है। मैं हाथ नहीं लगाने वाला, ठंडा हो जाएगा फिर चक्कर बन जाएगा, चक्कर गर्मने को इधर हाथ क्योंकि इतनी ठंड है यहाँ पे क्या बताऊँ, पर मज़ा भी बहुत ज़्यादा है। ये देखो आए हाय क्या बात है ऐसा एडवेंचर कहाँ देखने को मिलेगा लाइफ में। ऐसा एडवेंचर चाहिए तो खारदुंगला, खारदुंगला और फिर नूबरा वैली, नूबरा वैली से फिर पेंगोंग लेक और एक और बिल्ले यहाँ पे तुरतुक, वहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर दिखता है, हो सका तो मैं कवर करूँगा। है हाय देखा कितना बड़ा खड्डा था, साइड से निकाल लेता हूँ, पता नहीं कितने बड़े बड़े खड्डे हैं। मैं सोच रहा हूँ बाइक वॉश करवाने के लिए, अच्छा वो बाइक वॉश नहीं करवाई क्योंकि इतना ज़्यादा रोड ख़राब है, दोबारा फिर से बाइक ख़राब हो जाती है। ठीक है जैसे चल रही है बाइक वॉश करवाएंगे वापस ले मैं आके। भैया साइड दे दे थोड़ी सी, बाइक का टायर स्किट करता है, नूबड़ा समझते नहीं साइड नहीं देते हैं। ये देखो बर्फ, रुक के दिखाता हूँ आपको। हाय ये देखो हाय हाय खानी है, हेलो हेलो ओए तेरी है ताई की अख आहिस्ता 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 पानी गिरा दे ऊपर यार। चलो मैं चलता हूँ यहाँ से, पानी गिरा पैर के ऊपर, कुल्फी जम गई पैर की, इतना ठंडा पानी है क्योंकि पूरा बर्फ का पानी है इसकी वजह से। हाय 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 बाइक भी सोचे कि साली किसके नीचे आई हूँ, अपाची कौन लेके आता है ले लद्दाख में, और वो भी ऐसे ऐसे रूट पे, और पीछे फुल लोड है, फुल बैग वगैरह पूरा सामान। मज़ा आ रहा होगा इसको भी, आना चाहिए इसको भी मज़ा, इसको पता चले कैसे चलती है बाइक। अभी भी ऑफ रोड ख़त्म नहीं हो रहा है, कब होगा ये ख़त्म। एक भाई ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था कि भाई अगर आपको ऑफ रोड देखना है तो जंस्कार वैली आओ, तो इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम जंस्कार वैली भी हम जाएंगे ज़रूर मेरे भाई, और वीडियो देखोगे तो हम ज़रूर जाएंगे जंस्कार वैली भी, ऑफ रोड का मज़ा लेंगे। ये देखो यहाँ पे फ्लैग वगैरह कितना कुछ लिखा है फ्लैग पे,
वापस में आने वाला नूबरा से पेंगोंग, लेकिन वो रास्ता शायद अलग है जहाँ खारदोंगला से इधर ही आना पड़ेगा, वो रास्ता अलग होना चाहिए फिर ज़्यादा मज़ा है। चलो मैं ऑफ रोड ख़त्म कर लेता हूँ, मिलता हूँ उसके बाद एक अच्छे से प्यारे से व्यू के साथ। तब तक के लिए आप थोड़ा सा ये शॉट इन्जॉय करो। तो फ्रेंड्स आ गया मेरी फर्स्ट स्नो क्रॉसिंग इस बाइक पे। ऐसे यहाँ पे मैं रहता हूँ अपने घर में, वहाँ पे तो बर्फ़ गिरती है, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बार बर्फ़ के ऊपर से चलाई है बाइक, लेकिन ले मैं पहले बार। ये देखो बाइक, सोच रहे हो कि कहाँ आके फंस गया, ये देखो कितनी ऊंची ऊंची बर्फ़ है। आके अभी मैं क्या बताऊँ, मेरे पैर जो है ना पानी गिरा पैर पे और पूरे सुन्न हो गए हैं। ऐसे शूज़ भी मेरे नॉर्मल हैं, राइडिंग शूज़ नहीं हैं। आहिस्ता 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 ये पानी नहीं गिराना ऊपर, भूत नहीं के राइडिंग शूज़ नहीं है तो पैर आगे से पूरे ठंडे हो गए हैं। अरे है यहाँ पे पानी की बोतलें रखी है किसी ने। नेचर रोड मस्त लग रही है यहाँ पे, थोड़ा सा ऑफ रोड बचा था उसको क्यों ना एंजॉय कर लिया जाए, क्योंकि दोबारा शायद मैं इस रास्ते से ना आऊँ, फिर क्या पता नोबरा में जाके पता चलेगा, जहाँ पे नेटवर्क आया उधर जाके पता चलेगा कि मैंने इसी रास्ते से वापस आना है या नहीं आना है, उधर जाके डिसाइड होगा। क्योंकि ऐसा मुझे रास्ता पता नहीं, गूगल मैप पे सर्च करके ही पता चलेगा वापस आना नहीं आना है। ये देखो बर्फ़ का पूरा पानी, पता कितना ठंडा पानी होगा, इसको हाथ नहीं लगाया जा सकता, पीना तो छोड़ो। आया इसके ऊपर से बाइक थोड़ी स्पीड से निकालते हैं, बाइक पानी गिरेगा ऊपर, बाइक हो गई पूरी वाश। ओए बड़ा ऊपर आ रहा है पानी, आए हाय पैर पूरे गिले हो गए, आस्ता निकालनी चाहिए थी यार, लेकिन बाइक वॉश करनी थी, इसकी वजह से नीचे से पूरा पूरी बाइक वॉश हो गई है। यहाँ पे क्या खाने के लिए मिल रहा है, कुछ मिल रहा है यार, खा लेते हैं, हमें भी भूख लगी है। क्या हाल है, तो फ्रेंड्स 15 मिनट वेट करने के बाद एक मैगी मिली है, लेकिन यहाँ पे ये मैगी होगी ना बड़ी ज़्यादा टेस्टी होगी, क्योंकि भूख नहीं लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। बाकी सामने का नज़ारा देखो, ऐसे नज़ारे के साथ मैगी हो तो क्या ही बात है भाई। अब खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से नूबरा के लिए।